आज 29 अप्रैल 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। और उसके लिए देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। क्या करना है? पहली कंडीशन है पावन बनना है, तब रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। और उसके लिए पावन कैसे बनेंगे? देही अभिमानी बच्चे सोल कॉन्शियस डे लानी है, वही रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। आत्मा समझ करके बाबा में जो गुण है वो सारे ग्रहण कर लेने, ये होता है देही अभिमानी बनना। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है, यानी अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी दिवाला नहीं निकलता। कौन सी कमाई है? कौन सी कमाई है? सच्ची कमाई कौन सी है? ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, वो तो शरीर के हाथ है। हमारा योग कौन सा है? बुद्धि योग। बाबा बुद्धि को इतना रिफाइन कर देते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, रिकॉर्डिंग हो जाती है, हमारे साथ जाती है। तो ये जो कमाई है यही साथ जाएगी। तो क्या मेहनत क्या करनी है, क्या कमाई कर रहे हैं, कौन सी कमाई करनी है संगम ऊपर हमने, जो साथ जाएगी? ज्ञान और योग की, बस दो ही कमाई, और कोई बोले बाबा ने? धारणा सेवा तो नहीं करनी, ये चारों ही आगे। ज्ञान को योग बल से धारण करके सेवा करनी है, चारों सब्जेक्ट में आते हैं बाबा के, चार सब्जेक्ट है, यही में पूरा जोर लगाना है, यही साथ जाएगी। दुनिया की कमाई कितनी कर लो वो साथ नहीं जाएगी, वो कमाई सुख शांति भी नहीं लाएगी। कर किस लिए ज़्यादा कमाई, ठीक है बाबा ने कहा काम करो, पर ध्यान यहाँ पर, इसी ध्यान में वो कमाई भी करो, तब देखो 21 जन्म बाबा गारंटी देते हैं, लास्ट जन्म तक भी उसी का आ रहे हैं हम। अभी की कमाई पिछले कल्प जो संगम में कमाया था अभी तक वही चला रहा है, इतनी कमाई करनी, इतना ध्यान रखना है इस कमाई का। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अब गिरने के दिन तो खत्म हो गए, अब संभल संभल कर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने
बहुत क्या खाया, बहुत ठोकरे खाई हुई हैं। चार धाम चले गए, कौन सा जगह छोड़ी नहीं है ना, सब जगह चले गए। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं और करते क्या थे, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। एक ही लाइन है मेन जो सबको रुलाती है, और सुनाने वाला भी बड़ा आर्टिस्ट, खुद भी रोके दिखा देगा, सारी पब्लिक को रुला देगा, कहेंगे जी बहुत अच्छी रामायण सुना है जी, क्यों रुला दिया सबको, लोग हंसने जाते हैं, ये रो के खुश हो जाते हैं दुनिया भक्ति मार्ग में। रामायण क्या कहते हैं, रोना क्यों आता है, हमारे भगवान राम की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ के रोते हैं, है ना, कितनी प्यारी रामायण सुनाते हैं, फिर ये बोलते हैं, अरे भाई अगर भगवान राम होता अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता, दुनिया को क्या बचाएगा वो, है ना। फिर बाबा ने कहा ये सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं, साफ साफ बाबा झूठी कथाएं बनाई हुई है ये, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। अब ये नहीं समझते कि दुखी आत्मा होती है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप कह देते, कौन जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं, वो तो कहते आत्मा निर्लेप है, यानी समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। क्यों कहते हैं ऐसा, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, कि वो समझते हैं आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, कहते हैं परमात्मा तो सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे। अब इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है, यानी फिर इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ज्ञान मार्ग में तो कैसे होता है, कभी बड़े उमंग उत्साह में होते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, क्यों, क्योंकि ये होती है माया से लड़ाई, तो माया पर ही जीत पानी है, पांच विकारों पर ही जीत पानी है। फिर जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, यहां संजीवनी बूटी क्या है, मन मना भव। बाबा कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चुप उसके बारे में ना सोचो, आत्मा समझ करके उसी समय मुझे याद करो, ये है संजीवनी बूटी। और भक्ति मार्ग में वो कहते हनुमान ओ पहाड़ पर गया, वहां से बूटी लेके आया। बेहोश कब होते हैं, जब अच्छा वाला ज्ञान में चल रहे होते हैं, किसी न किसी कारण से दिल शिकस्त हो जाते हैं, कोई बात पकड़ लेते हैं और क्लास में आते नहीं, ये होता है बेहोश होना। फिर भक्ति मार्ग में चहचटाई बहुत है, नहीं दिखावा ही बहुत है, देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं और सच्चे जेवर पहनाते हैं, बिल्कुल प्योर सोना पहनाएंगे। बाबा ने कहा वो जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, जिस ठाकुर को पहनाया आपने उसी की प्रॉपर्टी हुई, और ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी की या ट्रस्टी की हो जाती है, कमाई तो वो कर गए, नहीं कमाई तो वो कर गए, हमारी भावनाओं ने हमको खोखला कर दिया। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में प्रैक्टिकली बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे, फिर जब पुजारी बनते हैं
तो भी बहुत जेवर पहनते हैं, है ना। हमारी मूर्तियों को भी लोग कितनी जेवर पहनाते हैं। अब शत्रु देवता में बहुत जेवर पहने हमने, रिश्ती नस्ती द्वापर में भी, द्वापर कलयुग में भी लोगों ने मंदिरों में जेवर बनाए हैं, और अब कुछ भी नहीं है, अब जेवर खाली हो गए। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अभी नो जेवर, खाली हो गए सारे, आर्टिफिशियलिटी की दुनिया रहेगी सिर्फ। बिल्कुल साधारण है, बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है, किसी राजा के तन में नहीं आया मैं। अब सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं, चांदी का सिंहासन ले आओ जिनके लिए, वो भी ठाट बाट में बहुत रहते हैं, उनके तन में बाबा कहते हैं मैं नहीं आया। तो अभी तुम समझ गए हो कि बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है, कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता ही है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। हमारी खूबसूरती क्या थी? शक्ल नहीं, अकल। हमारी प्योरिटी लेवल कितना था, वो हमारी खूबसूरती है। हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे, और यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई, कितनी सुंदर गाय होती थी पहले, वो भी सांवरी होती गई। बाबा ब्रह्मा बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी, कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं, यहां तो देखो कोई कैसे है, क्यों? क्योंकि अभी है ही कलयुग, ऐसी गौएं सत्युग में होती नहीं। तो तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, और तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। अब विचार करो, विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए, वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा। गोबर भी कैसा होता होगा, आज देखो गौमूत्र से भी कितनी औषधियां बनती हैं, है ना, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाने तो ना इनडायरेक्टली खाओगे ना, जो सब्जी में डालोगे इनडायरेक्ट तो सब कुछ होता है, सरका तो यही सब कुछ इसका। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तभी तो अच्छा अनाज पैदा होता है, वहां तो सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है, और यहां तो कोई चीज में ताकत ही नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म बतन में जाती थी, बाबा ट्रांस का पार्ट दिखाते थे, साक्षात्कार कराते थे, बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, कहां पर? सूक्ष्म वतन में। शुभी रस में मैंगो शेक पीती थी, ये सब बाबा का साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ही ना सके, तो ये क्या है? साक्षात्कार। जैसे सपना देखते हैं ऐसे बाबा साक्षात्कार, साक्षात प्रैक्टिकली सारा सीन दिखाते हैं इमर्ज करके। वैकुंठ तो हो फिर भी सूक्ष्म वतन में नहीं है, मूल वतन में नहीं है, यही होगा ना।
और मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। फिर बाबा ने कहा वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। तो यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वही फिर इन आँखों से देखेंगे। अभी जब साक्षात्कार है फिर प्रैक्टिकल में सत्ययुग में जाएंगे। अब जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है, जैसी आपकी पोजीशन होगी स्थिति होगी वैसी आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी उसकी भी टिकट लगा रखी है, महल देखने के लिए भी टिकट रहती है। तो खास वो महल देखने के लिए रखते हैं खुद, फिर और महलों में रहते हैं। राजा तो है नहीं, उनकी जो बिरादरी वाले रहते होंगे वो किराए पे मकान लेके वहाँ रहते हैं क्योंकि कमाई बड़ी होती है महलों के, कितना पैसा मिल रहा है, कमाई ही होगी उनकी। सो भी अभी कलयुग में बाबा ने कहा ये है ही पतित दुनिया, कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। ये दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी इस दुनिया में। भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, व्हाइट हाउस है, परंतु वहाँ की भेंट में ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं और फर्स्ट क्लास गौवे होती है, वहाँ गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को फिर ग्वाला कहते हैं। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वो कहते हैं हम गुज्जर हैं, ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। बड़ा नशा रहता है ना, हम कृष्ण के वंशावली हैं। बाबा ने आज बताया, क्लियर किया, वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे। जितने भी गुज्जर हैं इनको कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, हाँ कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। राजधानी में तो सभी हैं, मतलब वंशावली में उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके फैमिली में नहीं, फैमिली में नहीं आएंगे वो, उनकी फैमिली वाले नहीं हैं। हाँ राजधानी में तो आ जाएंगे। अब साहूकारों के पास गौवें होंगी, साहूकार सब गौवें रखे रहेंगे, तो गुज्जर संभालने वाले भी तो होंगे, वो संभालेंगे उनकी गौवें। ये गुज्जर नाम सत्ययुग का है। कब की बात है? कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? लोग कह देते हैं हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं। अरे वो कौन सा सनातन धर्म, वो तो अभी आया है। असली में धर्म कौन था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आजकल सब कॉलम कौन सा होता है? हिंदू लिख देते हैं। अभी पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये भी कोई नहीं जानते। तो बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम को या शिव बाबा कि श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं और भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं।
अभी अपने को कोई देवता कह ही ना सके, क्योंकि रावण ने विकारी बनाया, विशेष बनाया। तो बाप आकर बनाते हैं निर्विकारी, वॉइसलेस। तो तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, जो बाबा की शिवलिंग मिलती है, मुरली मिलती है, इससे तुम देवता बनते हो। तो बाप ही आकर तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है और जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं, जितने भी मनुष्य दुनिया में हैं, चाहे कितने भी विद्वान पंडित हैं, सब आसुरी मत पर चल रहे हैं, असुरों की मत पर चल रहे हैं। जितने वेद शास्त्र हैं सब मनुष्यों तो लिखे हैं, और तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो, यानी रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। तो ये तुम्हारा जीवन, ये संगम युगी जीवन बहुत अमूल्य है, इसी जन्म की बहादुरी है। ठीक है, इस जन्म में कितने आप बहादुर बनते हो उसकी वैल्यू है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं और हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं, वो है जिस्मानी सोशल वर्कर, है ना, जिस्मानी सोशल वर्कर, लोगों को बड़ी हेल्प करने वाले, जो देह अभिमान में रहते हैं, कितना उनको देह अभिमान होता है, और तुम हो देही अभिमानी, यानी आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। तो बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, फिर क्या हुआ, तुम सतो प्रधान थे, फिर क्या हुआ, आत्मा में ही खाद पड़ी, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। अब जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका एक जैसा पार्ट तो हो ही ना सके। तो सबसे ऊंच बाबा का पाठ, सबसे ऊंचा किसका पाठ है, क्या पाठ है बाबा का, पतितों को पावन बनाने का। फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है, शुरू से एंड तक इतना बड़ा पाठ क्यों है, क्योंकि जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, जो यहां स्थापना कर रहे हैं वहां पालना भी वही करेंगे। सत्य देवता में खाली संगम पे खेल ही खत्म होता, आगे भी खेल चलना है। ये तो बड़ा पाठ उनका है, लक्ष्मी नारायण इनका बनेगा, ब्रह्मा सत्य का बनेगा। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं, शंकर, शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, शंकर वैसे तो हमारी अशरीरी स्टेज का गायन है, हम जब अशरीरी होते हैं, अब कोई देवता इतना बड़ा देवता नंगा मंगा तो ना बैठा रहेगा, है ना, तो हमारी अशरीरी स्टेज को दिखाया गया। ये ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं, अब कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं, हर एक को अपना अपना शरीर है,
सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं, वो भी पतित शरीर, और पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने की। तो पहले जाना पड़ेगा मुक्ति में। तो नॉलेजफुल एक ही बाप, वो कौन है? पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता ही नहीं, कृष्ण के लिए बाबा कहते उनको, उनको भी बाप बाप कहते शोभता नहीं। तो शिव बाबा अक्षर ही बहुत मीठा है, शिव को जो कल्याणकारी है उसको बाप बोलो कितना शोभता है, शब्द कितना मीठा है। फिर शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। तो बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, बच्चों के लिए समझाया जाता है कि बच्चे सारा मदार योग पर है, क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अगर योग नहीं लगाओगे, खाली मुरली पढ़ोगे, ज्ञान सुनोगे, धारणा नहीं हो पाएगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है, ज्ञान के बाद योग के बाद धारणा, फिर सुनाना पड़ता है, सेवा भी करनी है। ये है नई बात कि भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं है ना। इस समय वाला ज्ञान रहेगा ये, फिर सत्य देवता में ज्ञान की जरूरत ही नहीं। तो अभी बाप तुमको, अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वो अभी तुम सुनते हो, और धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। धारणा करके सेवा करो, उतना प्रारब्ध उतना मेवा मिलता रहेगा। तो ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है, सत्युग में ये पाठ नहीं होगा। ज्ञान सुनना सुनने सुनाने का पाठ सत्युग में नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। अभी जो मेहनत करोगे इसका फल रिवार्ड। अब मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन के कमाते हैं, डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बन के कमाते हैं, और ये तो कितनी बड़ी कमाई है, और इस कमाई का दुनिया वाले को पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं। पता किसी को कि हम सूर्य दुनिया बैठ के कमाई कर रहे हैं? किसी को नहीं पता। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, करते नहीं है, कर रहे हैं, और इस कमाई का कभी दिवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, और ये कमाई फिर 21 जन्म साथ ही रहती है। वो कमाई साथ नहीं देती, दुनियादारी मेहनत कर लो, वो जिस दिन शरीर छूटा आप मर गए सब कुछ छूट जाएगा, फिर भी पता नहीं उसी के पीछे सारी दुनिया भागी फिरती है। यहाँ के लिए भी टाइम नहीं है, सच्ची कमाई के लिए भी टाइम नहीं है, क्या कर रहे जी? ड्यूटी करनी है, काम करना है। बाबा ने कहा ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए, नहीं ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, और तुम्हारे में भी, सारों की नहीं, तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। अरे बाप और वर्षे को
भूलना नहीं चाहिए, बस बात एक ही है, बात बस एक ही है। कौन सी बात? बाप को याद करो, जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, और 21 जन्म निरोगी काया रहती है, वो भी बुढ़ापे तक, अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, इतना रिवार्ड, इतनी अच्छी दुनिया में बाबा हमारी कमाई करवा रहे हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाप की याद है मुख्य, है तो चार सब्जेक्ट, पर इसमें से मुख्य क्या है? बाप की याद। इसमें ही माया विघन डालती है। वैसे ज्ञान में विघन डालेगी, योग में जाओगे ऊपर, कोई ना कोई बात याद आ जाएगी, कोई ना कोई सीन याद आ जाएगा, कोई ना कुछ हो जाएगा, है ना। इसमें ही माया विघन डालती है। विघन भी क्या? तूफान लाती है। अब तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु उस समय कर नहीं सकेंगे, और याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है, योग की बहुतों में कमी है। तो जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। जितना इतना जो योग नहीं करना कि क्लास में योग करो, जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान तो बड़ा आसान है, एक हफ्ते का कोर्स कर लो, सारा ज्ञान समझ आ जाता है। पर बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से और मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे याद करने से यानी मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है, याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि ऊंचते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वो, ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं, वो भी 21 जन्म के लिए, और सदा सुखी अमर बनाते हैं, और तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाबा क्या नहीं देता, क्या देते हैं? सदा सुखी और अमर बनाते हैं, सदा सुखी और अमर बनाते हैं, और तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। अब ध्यान से सुना लास्ट लाइन, बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। समझे क्या बड़ी गहरी लाइन आई है? बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। यानी कि लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, फिर पक्का याद करेंगे, फिर निरंतर याद करेंगे, फिर ज्ञान योग की क्लास डेली करेंगे। बाबा कहते उसी समय, जिस समय कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उस समय याद करो। अगर उस समय याद नहीं करोगे तो जो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएंगी वो प्रॉब्लम ही याद आएंगी, पंगे याद आएंगे, बाबा याद नहीं आएगा फिर। तभी हम कहते हैं ना हमेशा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, उस प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल ना सोचो, उस समय चक्कर लगाओ। कहते हैं लगता नहीं चक्कर,
लगाना ही उस समय है जब उस समय चक्कर लगाने की आदत पड़ जाएगी, बाबा की याद आ जाएगी। देखना जब उस समय प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, फिर आदत पड़ जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका यही है बाबा की। यह अभ्यास बहुत जरूरी करना है, नहीं तो क्लियर कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ये ईश्वरीय जीवन, ये संगम युग का ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। कैसे बनेगी? रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है, ठीक है ना। पहले यात्रा क्या है, पहले खुद ड्रिल करनी है। जब ड्रिल हो जाएगी अपनी, फिर उसके बाद दूसरों को भी सिखाओ, ऐसे ड्रिल करो। ये इस समय सेवा करनी है, यही सेवा मेवा दिलाएगी। दूसरा, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है, ठीक है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, मास्टर नॉलेज फुल बन, नॉलेज में फुल बन। अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। कौन है हम? ज्ञान स्वरूप योग युक्त, दोनों ही बाबा ने बोला। ज्ञानी योगी, ज्ञान में भी तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप और योग में भी युक्त, बाबा की याद में बैठे हुए होते हो, उसकी निशानी क्या होगी? क्या करना पड़ेगा? अनजानेपन को समाप्त करने वाले। बाबा पता नहीं था ऐसे होगा, बाबा पता नहीं था ऐसे हो जाएगा। अनजान बन जाते बाबा के सामने, बाबा सब पता होता सबको, फिर भी बाबा के सामने अनजान बन जाते, बाबा इतना तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, है ना। ये बाबा ने कहा इस अनजानेपन को समाप्त कर दो, ठीक है। कैसे? मास्टर नॉलेज फुल बनकर, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। माया कैसे आती है, माया का विकराल रूप क्या है, माया का बड़ा प्यारा स्वरूप कैसे माया आती है, सारा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बहानेबाजी अनजान बनाए बाबा कहते समाप्त कर दो, और क्या बन जाएंगे उसे? ज्ञान स्वरूप योग युक्त। बाबा ने कहा मास्टर नॉलेज फुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानापन नहीं रहता, किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का मैं पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान रह ही नहीं सकता। बाबा की रोज मुझे सुनते हो, तुमको मुझे पता ही नहीं था, ये हो ही नहीं सकता। और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। अगला सीन क्या होने वाला है, क्या होगा, कट करेगा, सब पता होता है योग युक्त वालों को। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, बड़े प्यार से आती है माया, पता नहीं लगता कहाँ से आ गई, है ना। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम, माया की रिमझिम
कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, बड़ी रौनक लगा के आती है, इसलिए उससे बचकर रहना, इसलिए माया से बचकर रहना। विकराल रूप है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर पता लगता है हमें माया आ गई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतने प्यार से आएगी पता नहीं क्या करके जाएगी, तो उसका उससे बचकर रहना। और जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, हाँ भी ऐसे भी आ सकती है, ये पंगा ऐसे होता है, ये पंगा होता है, जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए फिर हार खाना इम्पॉसिबल है, वो हार नहीं खा सकते, फिर असंभव है उनके लिए हार खाना। वो है मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान स्वरूप, योग युक्त। बहाना नहीं बाबा, बहाना बाबा साहब, बहानेबाजी है ये, पता नहीं था ऐसे हो, ऐसा पता होता है। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता, यानी ऐसे नहीं है कि आप क्वेश्चन ही पूछोगे, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर अंदर ये हो जाए तो कैसे होगा, वो कैसे होगा, अंदर सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, है ना, क्लेरिफाई करना नहीं है, वो कभी भी जो अंदर सोचता रहेगा ना, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। हम जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहूँगा, फिर वो एक गाने 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 पड़ते उनके लिए, फिर है ना, इसलिए सदा प्रसन्न रहो। नो क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा, बाबा हर चीज़ का बताता है, ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा, ठीक है। ओम शांति।